हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको इसी घर का इंटीरियर दिखाने जा रहा हूँ, जिसका मैंने आपको पहले हाउस टूर दिखाया था, घर कैसे बना था वगैरह वगैरह। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि घर के मेरे इंटीरियर में क्या क्या लगा हुआ है। क्योंकि भाइयों, घर कैसा भी हो, कैसा भी बना हुआ मिलो, शुरू में आपको घर पूरा एम्प्टी मिलता है, ठीक है। उसके अंदर इंटीरियर जब आप अच्छे से डेकोरेट करके लगाओ तो घर की पूरी शोभा बढ़ती है। तो चलो अपन अंदर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें लगाई है और कैसे लगाई है, ठीक है। क्योंकि मेरे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कमेंट्स में, तो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही अपन ये घर में घुसते हैं, एंट्री मारते हैं, सबसे पहले इंटीरियर का जो मैंने काम करा था, ये देख लो यहाँ पे, ये सारे जो आइटम्स लगे हुए सारे इंटीरियर के, ये वॉलपेपर मैंने लगवाया था, ये पिको वॉल से मैंने लिया था, मेरे को करीब $500 का पड़ा था। उसके बाद में ये बुफे जो टेबल होता है, यूजुअली लोग यहाँ फुटवेयर के लिए भी रखते हैं, लेकिन मैंने ये बुफे वाला टेबल रख लिया था क्योंकि ये सही जा रहा था यहाँ पे। तो इसमें मैंने मेरे सारे शूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें इस टेबल में आ जाती है मेरी, ठीक है। ये जो सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, यहाँ पे शॉप्स होती है, मैंने आई थिंक ये फ्रीडम फर्नीचर से सारे लिए थे, ये प्लांट वगैरह लिया था। तो जैसे एंट्री मारो आप घर में, एक अच्छे सा डेकोरेशन दिखता है। ये लैंप वगैरह भी मैंने लेके रखा था एज पार्ट ऑफ डेकोरेशन इंटीरियर के लिए, ठीक है। तो ये तो मेरा एंट्री वाला एरिया हो गया, और एंट्री वाले एरिया को मैंने इस तरह से डेकोरेट करके रखा हुआ है। वॉलपेपर, मिरर, लैम्प, छोटी एक्सेसरीज, एक टेबल शूज़ वगैरह के लिए, और एक प्लांट। प्लांट घर में कहीं भी लगा दो अच्छा ही लगता। और फिर आ जाते हैं इधर बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम भाइयों पूरा खाली था। मेन अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो फर्नीचर है, ये वाला और बेड की साइड टेबल, ये हमने एक ही जगह से ली थी, हार्वे नॉर्मन से ली थी, करीब हमको $3,500 या $4,000 की पड़ी थी। ये थोड़ा महंगा था लेकिन लाइफ टाइम के लिए चल जाता है यार, ये ऐसी चीज़ें जो हमेशा काम आती है आपकी। मैंने क्या किया था, वो फ्रीडम फर्नीचर वाली जगह पे गया था, वहाँ पे जो इंटीरियर वाली लेडी थी उसी से पूछा मैंने कि भैया कैसा कैसा मैचिंग जाएगा मेरे घर के हिसाब से। मैं इसके फोटो लेके गया था और उसने बाकी सारे अप्रोप्रिएट आइटम मेरे को बता दिए थे। साथ ही साथ उसके बाद फिर जो दूसरे पीछे से ये बेबी का, हाँ, का बेड है, ये वाला लेके रखा हुआ है। उसी तरह उनकी चेंज टेबल लेके रखी हुई है, ड्रेसिंग वगैरह, पोटी वगैरह सब चेंज करने के लिए। हमारे साथ ही रहती है, इसलिए सब हमने हमारे रूम में मूव कर लिया। ये देखो यहाँ पे सो रही है ईशा। तो बेडरूम में हमने फर्नीचर में बेड, उसके साथ मैचिंग दो साइड टेबल्स और एक ड्रेसिंग टेबल, पूरा सेट लिया था आई थिंक 4000 समथिंग में। उसके अलावा थोड़ी सी हमने डेकोरेटिव दो फ्रेम्स लगाई है जो थोड़ी एक दूसरे से मिल रही है। हाँ, ये ईबे से करके किया था, ये भी हमने फिर बाद में खुद इंस्टॉल कर लिया था। ये भी ऐसे सेक्शन में आता है, रोल करके आप लगा सकते हो। साथ ही साथ ये जैसे लैंप वगैरह, ये भी हमने बाहर से फिर केमार्ट से ऑर्डर करके लैंप ये लगा दिए थे, थोड़े से मैचिंग हो रहे थे। ये हमारा ह्यूमिडिफायर, रात में हीटर वगैरह चलता है अगर ड्राई होना जगह तो, उसके लिए जैसे ये ऊपर लगा हुआ है, ये स्प्लिट एयर कंडीशनिंग है, तो एयर कंडीशनिंग भी हो जाता है उसी से, हीटर भी हो जाता है। पूरे घर की चलाने की बजाय हम सिर्फ रूम की चला लेते हैं क्योंकि हम छोटी फैमिली है। जब ड्राई होता है तो ह्यूमिडिफायर चला दो तो उससे थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है बच्चों के लिए ना, एकदम ड्राई नहीं होती एयर। उसके अलावा हाँ, ऑफ कोर्स फैन तो हमारा फेवरेट है, ये फैन भी लगा रखे, 3 फैन लगा रखे हैं मैंने घर में। इधर बाथरूम में दिखाऊं तो वैसे तो सिंपली कुछ स्पेशल करवाया नहीं हमने, एक आध प्लांट वगैरह थोड़ा डेकोरेशन के लिए लगा दिया। उसी तरह से दोस्तों, ये जब आपका वार्डरोब भी आती है ना, पूरी खाली होती है, सेक्शंस, ये ड्रॉअर्स वगैरह सब हमने बनाया, थोड़ा मैसी है सॉरी, ये बाद में बनवाना पड़ा हमको एज एन एडिशनल। सॉरी, यहाँ ये चेयर तो बताने भूल गए, नर्सिंग चेयर हमने आईकिया से ली थी, तो ये बेबी को फीड वगैरह करने के लिए काम आ जाती है। उसी तरह इस तरह के पिलो आते हैं बेबी फीडिंग के लिए, ये भी काम आ जाते हैं, थोड़ा फुट रेस्ट के लिए लगा दिया। तो यहाँ पे सुबह अच्छी धूप आती है तो ईजी रहता है, यहाँ पे बच्चों को रखो साथ में तो दे इन्जॉय, गर्म हो जाता है कमरा बढ़िया ठंड के दिनों में। अब अपन इधर आगे वाले एरिया में जाएंगे वापस से, तो आपको मैं बताता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो देखोगे, ये सारी पेंटिंग्स की जो ये अलग अलग फ्रेम्स है, ये मैंने केमार्ट वगैरह से ली थी और ये यहाँ पे लगा दी थी, ठीक है। इससे भी बढ़िया लुक आता है, घरों की दीवार खाली नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कुछ ना कुछ लगा दो उसमें तो लुक अच्छा आता है। ये देखो जैसे अब ये वाला जो एरिया मेरा फॉर्मल सिटिंग जो लॉन्ज एरिया है, इसमें भी जो ये मैंने पेंटिंग्स है सारी, ये केमार्ट से लेके लगा ली थी, थोड़ा सा ऐसे डेकोरेटिव पैटर्न में अलग अलग साइजेस में, ठीक है। ये प्लांट भी जो है मैंने फ्रीडम फर्नीचर से ही लिया था, ठीक है, फेक प्लांट है, बार बार मेंटेन नहीं करना पड़ता है लेकिन लुक अच्छा आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे थोड़ी सी ये कॉफ़ी टेबल है, ये फर्नीचर की, ये मैंने ली थी साथ में ली थी मैंने, ये कॉम्बिनेशन में आई थी अपने जो फ्रंट का बूफे है, मेरी जो डाइनिंग टेबल है अभी आपको दिखाऊंगा, टीवी यूनिट जो है उसके साथ में ये मैचिंग में आई थी, ठीक है। ये जो घर की जो वॉल है पेंट, ये कराने फीचर वॉल बोलते हैं इसको, मतलब कोई भी एक वॉल पेंट करा लो। ओ मेरा छोटा गुड़िया, इसकी आवाज़ आ रही थी, रो रही है, बुक करना है। अच्छा, फ्रीडम फर्नीचर से ली थी ये फ्रेंड्स, ओके, ये वाली ली थी केमार्ट से अपन ने। यहाँ पे भी एक पंखा लगवा दिया था दोस्तों, तो उससे और अच्छा लुक आ जाता है।
अब क्या होता है यूजुअली घरों में एक दीवार ऐसी फीचर वॉल बोलते हैं लोग, अलग अलग कमरों में भी लगाते हैं जगह पे, जिसको कलर कर दो या वॉलपेपर लगा दो। जैसे मैंने मेरे मास्टर बेडरूम में वॉलपेपर लगा रखा है, इधर वॉलपेपर लगा रखा है, लेकिन ये वॉल मैंने खुद ने पेंट करी थी यहाँ पे। बहुत ही सिंपल होता है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। $50 का कुछ पेंट आया था बनिंग से, लेके आ गया था मैं ग्रीन कलर मैचिंग के हिसाब से, नीचे कपड़ा बिछाया, थोड़े बहुत उसके रोलर लाए, दो बार इसको पेंट किया, ये वॉल कंप्लीट हो गई। खुद ने करी इसलिए $100 में हो गई। यही चीज़ आप बाहर किसी से कराओगे तो आपके $500 लेंगे वो करने के लिए वॉल के। हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से प्लीज़ बोलूँगा मैं कि मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो आप। मैंने दूसरे भी वीडियो डाले, आपको डेफिनेटली पसंद आए थे, आपने देखे हैं, और इस वीडियो को भी अगर आप देखने आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। उसी तरह और आगे घर में जाएंगे तो देखो इस तरफ भी सारी ये फ्रेम्स वगैरह लगा रखी है। ये अभी मेरी बेबी के नए फोटोज अपडेट कर दिए मैंने इस फ्रेम में, कियान को तो आप जानते ही हो। और ये कियान के जो फुटप्रिंट्स और वैसे वाले 3D आजकल चलता है इधर, काफी लोग कराते हैं, वो भी मैंने इधर करा के सेंटर में डाल दिया था और राइट साइड में छोटी फ्रेम डाल दी थी। ये अभी जो नए किशा की फोटोग्राफी से लिए थे फैमिली फोटो, ये कियान का फोटो, और ये सारे फोटो ले रखे हैं, ठीक है। उसी तरह से इस दीवार पे क्लॉक भी लगा दी अपन ने, ठीक है, घड़ी से भी अच्छा लुक आता है। इधर एक और फ्रेम, तो आप देखोगे मेरे घर में मोस्टली सब जगह पे फोटो फ्रेम्स काफी लगी हुई है, उससे ओवरऑल जो लुक है घर का वो काफी बेटर आता है। अब इस घर में ये भी जो है आइटम्स यहाँ पे जो लग रखे हैं, ठीक है, जो सीलिंग की जो लाइट होती है, किचन की पेंडेंट लाइट जो है, ये भी मैंने बाहर से लगवाई। ये भी थोड़ा सा ब्लैक सा थीम रखा है मैंने मैचिंग करने के लिए। उसी तरह इस दीवार पे मैंने थोड़ी थोड़ी सी छोटी सी फ्रेम ले ली थी ब्लैक वाली, ठीक है, उस पर कुछ डेकोरेटिव आइटम लगा दिए। ये हाथ मैंने खुद बनाया भाइयों, मेरे ही हाथ है, दिखाऊं आपको। ये मैंने खुद बनाया था, मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन मैंने क्ले स्कल्प्ट करके बनाया था हाथ से ही अपना, मोल्ड वोल्ड नहीं डाला था, एक्चुअली शेप किया था हाथ। एनीवे, तो ये छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम इधर डाल दिया अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद में तो इंटीरियर में फिर अपना ये डाइनिंग टेबल वगैरह मैंने बताया था, उस सेट के साथ ही लिया था अपना, 8-सीटर डाइनिंग टेबल है। उसके बाद में ये मेरा जो मेन फैमिली एरिया है, तो लाइट चालू करता हूँ, ठीक है, ये देखो पेंडेंट लाइट जल गई। उसी तरह से फिर ये फर्नीचर हो गया। उसके बाद में इधर भी देखो मैंने एक बड़ी सी पेंटिंग लगा दी थी जो टीवी के साइड में लगी हुई है, ठीक है, ये भी मैंने वो फर्नीचर शॉप से ली थी जो इंटीरियर डेकोरेशन आइटम होते हैं। ये वाला भी मैंने वॉलपेपर जो है ईवे से मंगवाया था ऑनलाइन से, और ये यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था। सिमिलरली देखो इधर एक और प्लांट भी लगा हुआ है, तो अभी और भी दूसरे भी डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए थे यहाँ पे, लेकिन कियान बड़ा नॉटी है, वो गिरा दे घुमा दे, इसलिए हमने उनको स्टोर करके रख दिया। बाकी ये देखो इधर भी एक और पेंटिंग लगी हुई है अपनी। सिमिलरली ये कर्टन्स भी मैंने व्हाइट वाले लगवाए थे, थोड़ा अच्छा सा लुक देते हैं। और पीछे जो ये ब्लाइंड से मैंने ऐसी वाली लगवाई थी जो रोल हो जाती है ऊपर नीचे। तो कर्टन्स जो है ये शीर कर्टन्स, अगर लाइट चाहिए आपको घर में तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर दो, अपनी ब्लाइंड्स को ऊपर कर दो, तो आपका ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और थोड़ी लाइट भी आ जाती है और अच्छा लगता है। इसी तरह से ये मैंने पेंडेंट लाया था, ये बड़ा वाला लाया था मैं, छोटे वाले तीन जो है उनसे मैचिंग लाया था, तो घर का ओवरऑल लुक जो सारा सिमिलर आता है। तो ऐसे ये छोटे छोटे जो इंटीरियर आइटम्स है ना, ये मिलकर घर की पूरी शोभा बढ़ाते हैं। ये काउच भी मैंने फर्नीचर शॉप से लिया था, अराउंड $1500 का कुछ था, ये थोड़ा चीपर वर्जन है काउच का। उसी तरह से दोस्तों एक और लैंप इधर भी लेने के लिए रखा है। देखो दो चीजें तो आपको घर में लगाना ही लगाना है, तीन चीजें एक्चुअली, अगर आपको घर की शोभा बढ़ानी है तो, ठीक है। एक तो वॉल्स पे पेंटिंग लगाओ अलग अलग तरह की, जिस तरह की आपको पसंद आती है। दूसरी बात है लैंप्स लगाओ हर जगह पे, लैंप से बहुत अच्छा लुक आता है, टेबल लैंप लगाओ या फ्री स्टैंडिंग लैंप लगाओ। और थर्ड चीज है प्लांट्स लगाओ घर में, उससे भी पूरी रौनक आती है। और वॉलपेपर कर लो, एक और फोर्थ चीज भी बोल देता हूँ, ठीक है। ये चार चीज अगर आपने घर में कर दी तो मतलब आपका घर का लुक जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब दिखने में ओवरऑल अच्छा लगने लगता है। उसी तरह से मैं आपको बेडरूम का दिखाऊं, जैसे मम्मी पापा शायद सो रहे होंगे, हाँ सो रहे हैं दोनों। इस बेडरूम में मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं वैसे, बस दो लैंप लगाए और साइड टेबल लगाई है, चलो इनको सोने दो। और पंखा भी लगा रखा है इस रूम में, भी तीन पंखे लगा रखे भैया मैंने घर में। इधर एक ही पेंटिंग लगा रखी है, ये कियान का रूम है, किशा का रूम है बोल दो। इसमें भी ये जो वॉल है दोनों पिंक और ब्लू, ये मैंने खुद ने पेंट करी थी, पेंट शॉप पे गया, पेंट लाया, रोलर वगैरह लाया और कर ली, बहुत ईजी होता है, कर सकते हो। ये जो स्टिकर्स वगैरह है सारे ईबे से मंगाए थे डेकोरेट करने के लिए। ये पिंक वाली वॉल ईशा के लिए कर ली थी अपन ने डेकोरेट, ये ब्लू वाली वॉल अपन ने कियान के लिए कर ली थी। ये सारे स्टिकर्स है व्हाइट वाले, और ये सारे आधे तो उसने निकाल दिए मस्ती करके। ये सारा जो बोर्ड होता है ये भी आपको मैं केमार्ट से लेके आया था। देखो मैं बताता था ना आपको, केमार्ट से आपको कभी सस्ती चीजें मिल जाती, लेकिन कई बार मैचिंग वाली अच्छी ले लो तो बढ़िया हो जाती है। इस पे भी जो ब्लू पेंट है लेकिन वो मैंने खुद ने किया था। बाकी ये कुछ भी डेकोरेटिव टॉयज वगैरह डाल दिया। ये कोई डिफरेंट तरह का लैंप है, ये भी उधर बाहर रखा हुआ होता था, लेकिन कियान की नॉटीनेस की वजह से हमने इधर अंदर स्टोर करके रख दिया। बाकी तो ये रूम प्लेन है, ऐसी चेयर वगैरह ले लो आप थोड़ी सी फैंसी सी, अच्छी लगती है। सिमिलरली अब ये मैं तुमको एक दूसरा मेन बाथरूम भी दिखा देता हूँ इधर का, ठीक है। ये जो हमारा मेन बाथरूम है उसमें भी ऐसा थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम लगा रखा है, बड़ा मिरर है, फ्लावर प्लांट जैसे मैं बता रहा था कहीं भी लगा दो, उससे थोड़ा सा बाथरूम का लुक अच्छा आ जाता है। डेकोरेटिव आइटम के नाम पे हमने शो पीस के लिए ये लगा दिया, उस पर थोड़े से एक दो तीन डेकोरेटिव आइटम लगा दिए, तो उससे भी अच्छा दिख रहा है।
भाई घर मिला था पूरा खाली और धीरे 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 अपन ने सारी चीजें इसमें ला के डेकोरेट करी, उससे फिल हो गया। एक और मैंने यहाँ एसी भी लगा रखा है, मैंने आपको बताया था जैसे दूसरे नॉर्मल वीडियो में। और ये है अपना टीवी यूनिट, ये सेट में आया था भाई, टीवी यूनिट, ये डाइनिंग टेबल, फ्रंट का बुफे और वो कॉफी टेबल जो उधर लॉन्ज में रखी हुई थी, सेम कलर में है, ठीक है। मेरा बेडरूम का जो फर्नीचर वो भी सिमिलर है, पर वो दूसरी जगह से लिया था मैंने सिमिलर कलर में। उसके अलावा मैंने घर में जो एक्स्ट्रा कराया था बैकयार्ड में कराई थी मैंने चीजें। ये ऐसी ब्लाइंड होती है, ब्लाइंड आपने खोली तो पूरा खुल जाता है, पर आपको ब्लाइंड नहीं खोलनी है तो ऐसा पर्दा लगा दो तो रोशनी आती लेकिन दिखता नहीं बाहर से अंदर, ठीक है। ये अपन बाहर आए बैकयार्ड में। ये जो मैंने डेकिंग है ये भी बाद में करवाया, यहाँ पे कुछ था नहीं ऐसा, ठीक है। घर आपको जब मिला था ये कॉन्क्रीट भी नहीं होता है, ये मैंने साइड में घर के पूरा 1 मीटर चारों तरफ करवाया, ये भी बाद में करवाया। परगोला भी मैंने बाद में लगवाया, तो इससे क्या थोड़ा सा शेड में अपना सिटिंग एरिया हो गया। दो कलर के मैंने चद्दर लगवा दी ताकि थोड़ी लाइट भी आती रहे, ज्यादा धूप भी नहीं आए और आपको शेड भी मिल जाए। उसी तरह ही मैंने आउटडोर वाले काउचेस ले लिए थे और थोड़ा फर्नीचर सेट ले लिया था, ठीक है। ये आउटडोर वाले काउचेस इससे होते हैं पानी में भीग भीग भी जाए तो कुछ इनमें फर्क नहीं पड़ता है, वापस से ठीक हो जाते हैं। मैंने ले लिए कि एग चेयर ले ली थी बैठने के लिए, और सिमिलरली मैंने वहाँ पे क्लोथ लाइन भी लगवा दी थी, ठीक है, कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए अगर आपको ड्रायर वगैरह यूज नहीं करना है तो। ये आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह तो एज पार्ट ऑफ लैंडस्केपिंग फिर मैंने बाद में करवा दी थी, इसके नीचे नॉर्मल मिट्टी है, उसके ऊपर थोड़ा सा वो चूरी वाली गिट्टी डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास डल जाती तो सब सोख कर लेती पानी वगैरह। ये थोड़े से लाइट वगैरह लगा दिए थे मैंने इसमें, शाम को कभी बाहर बैठो तो अच्छा अच्छा माहौल हो जाता है इधर। तो इस तरह का इंटीरियर है भाइयों, ये लाइट वगैरह भी सब फिर मैंने बाद में लगवाई थी पीछे की स्पेशल वाली। सीटी बज गई भाई, पानी गर्म हो गया, विस्लिंग विस्लिंग विस्लिंग, इसको कर देते हैं अपन बंद। और भाई उसी तरह पेंट्री में तो मैंने कुछ खास इतना बाहर से लगवाया नहीं, बस नॉर्मल सामान है, लेकिन अपना फ्रिज वगैरह जो अपने को ऑफकोर्स लेके आना पड़ा था बाद में, उसी तरह से माइक्रोवेव बाद में लेके आना पड़ा था, ये मिला नहीं था। डिश वॉशर, गैस कुक टॉप, ये आपका इंक्लूडेड था घर में। देखो उसी तरह से किचन में भी थोड़ी सी डेकोरेटिव आइटम लगा रखी है अपन ने ये, ठीक है। ये वाला यूज़ नहीं करते हम, बस डेकोरेशन के लिए अच्छा लगता है उसमें किचन में। इधर के जो 2-3 पीस हो गए सेट हो गए ये भी सर डेकोरेशन के हिसाब से लगा के रखते हैं यहाँ पे लोग। तो इस तरह से दोस्तों ये घर की इंटीरियर्स की अलग अलग चीज़ें होती है जो घर को थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव बना देती है, ठीक है। जब ब्रांड न्यू आप घर लोगे तो पूरा एम्प्टी मिलेगा। अब आप भले $1 मिलियन खर्च कर दो घर पे और अच्छा बड़ा सा घर ले लो, लेकिन अगर आपने उसके इंटीरियर में अच्छा पैसा नहीं लगाया, अच्छा किसी से डिजाइन नहीं करवाई, अच्छा समझ के अच्छे से पीसेस नहीं लगाए, तो घर का पूरा लुक और मजा वाला मजा नहीं आएगा आपको। तो इसलिए स्पेंड जितना आप बाहर कर रहे हो घर में, अगर अच्छा घर खरीद रहे हो, महंगा घर खरीद रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा पैसा इसलिए भी डालो ताकि इंटीरियर में आप अच्छे प्रोडक्ट डाल सको। और इंटीरियर में इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए आपको इतना भी ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है, जैसे मैंने वो 2-4 चीजें बताई थी वो आप करो, वो थोड़ा सा कलर मैचिंग के हिसाब से कर लो, ठीक है। कलर पैलेट जो होते हैं वो थोड़ा समझ लेना ऑनलाइन, उसके हिसाब से कलर मैचिंग ले लो। जैसे भाई अपना ये नीचे डार्क कलर था, इधर व्हाइट कलर था, तो इसके साथ कौन से कलर का वॉलपेपर चला जाएगा, थोड़ा ऑनलाइन देख लो, वाला वॉलपेपर लगा लो या वाली पेंटिंग कर लो आप। उसी तरह से अगर काउच इस तरह के हैं तो उसके साथ कौन से पिलो जाएंगे, ये पिलो भी सब बाद में हमने फर्नीचर शॉप से ले रखे हैं, तो मैचिंग मैचिंग से हो जाते हैं थोड़ा, तो वो आंखों को बड़े लुभावने से लगते हैं भाइयों। तो जल्दी से एक और बार मैं फटाक से समराइज कर देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती है अगर घर को अंदर से अच्छा लुक के लिए बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जितना हो सके फीचर वॉल अपने घरों में लगा लो, कमरे में लगा लो, आप चाहो तो वॉलपेपर लगा लो या कलर कर दो वॉल का किसी डिफरेंट तरह से। दूसरी चीज़ जो है आप उसी तरह से पेंटिंग लगाओ घर में, खूब सारी आपकी खुद की फ्रेम्स लगा दो, आपके खुद के फोटो लगा दो, या जनरल शॉप्स पे जो पेंटिंग मिलती है उस तरह की पेंटिंग लगा दो, ठीक है। थर्ड चीज़ है आप ये एक्सेसरीज वगैरह जरूर लाओ, डेकोरेटिव एक्सेसरीज जो होती है फर्नीचर शॉप में मिलती है, जैसे आप लैम्प वगैरह ला के लगा दो, हर कोने कोने में लगा दो लैम्प्स वगैरह, छोटे लैम्प्स लगा दो टेबल के ऊपर। उसी तरह जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो थोड़ा वॉल पर डेकोरेट करने के लिए मिलते हैं वो ला के आप लगा दो। दीवारें खाली नहीं रखना ज़्यादा, जितनी खाली दीवार होती है उससे घर प्लेन लगता है, दीवारों पर अगर आप कुछ लगा दो तो उससे घर भरा हुआ लगता है और उससे लुक अच्छा आता है। और उसी तरह से थोड़ा सा आपको बस कलर स्कीम का भी ध्यान रखना रहता है कि आप एकदम ही वियर्ड कलर नहीं लगा रहे हो, जैसे अब अपने घर में ये वॉलपेपर लगाओ ये ठीक जा रहा है इस माहौल के साथ में, इन सब कलर्स के साथ में, तो वैसा लगाना आपको। अब एकदम मैं लाल वाला कलर अगर वॉलपेपर लगवा दूँगा तो बिल्कुल अच्छा लगेगा नहीं आता। ओ मेरे छोटा बेटा को नींद आया, कल इसके बाल काट दिए थे भाइयों, 1.25 महीने की हो गई थी तो एकदम डिफरेंट लग रही है अभी, नींबू आ रहा है उसको थोड़ा सोने में। जैसे ये भी वॉलपेपर है, ये ओवरऑल थीम के साथ अपना अच्छा जा रहा है, एकदम भड़कीला नहीं लग रहा है, मैच कर रहा है, तो थोड़ा सा कलर मैच करना होता है। और वो
कलर मैचिंग की भी जो चीज है वो खुद ही कर देते हैं। स्टोर पे जाओ ना, किसी अच्छे फर्नीचर स्टोर पे जाओ, उनसे परचेस करो, उनको बताओ मैंने ये घर लिया है 4 बेडरूम का, इसको मेरे को डेकोरेट करना है, कैसा फर्नीचर लगा दूं, कौन सा कलर कर दूं, उसमें भी वो हेल्प कर देते हैं। आप चाहो तो इंटीरियर डिजाइनर को हायर भी कर सकते हो, ठीक है। वो कुछ चार्ज लेंगे आपसे $1,000-$2,000, लेकिन अगर आप पाँच लाख डॉलर लगा रहे हो घर खरीदने में, अब तो 5 लाख में मिलते भी नहीं वैसे, $8 लाख लगा रहे हो घर खरीदने में, तो थोड़ा बहुत पैसा इस चीज़ में भी लगा दो, इंटीरियर डिजाइनर को पैसा दो, वो सारा आपका सेटअप बना देगा, उससे घर बहुत बढ़िया लगेगा आपका। तो दोस्तों होपफुली आपको ये मेरे घर का इंटीरियर और इंटीरियर में मैंने क्या क्या सामान लगवाया ये सब जान के भी मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसी तरह की मस्त मस्त चीजें आपको मैं दिखाते रहता हूँ। लॉन्ड्री एरिया देखोगे आप पूरा मैस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। मैंने ये बेंच टॉप टेबल स्पेशल पैसे देके बनवाया था इनसे, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अपना सारा काम हो जाता है। अपनी इधर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, इधर साइड में ड्रायर भी लगा हुआ है, तो सारे काम यहीं पर हो जाते हैं अपने लॉन्ड्री एरिया में।